केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी महासचिव राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 अप्रैल से अंबेडकर नगर में कांग्रेस संदेश यात्रा का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस संदेश यात्रा के महानगर पहुंचने पर जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश है, तो वहीं इस यात्रा के स्वागत में कांग्रेसियों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा के दलपतपुर के गांव कनकपुर में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं के जोश को देख यात्रा में भी ताजगी आ गई। पटाखे आतिशबाजी के साथ साथ दलपतपुर में जनसभा को खिताब करते हुए दलपतपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहम्मद नबी लंबरदार ने कहा, वहीं जनसभा में कांग्रेस की नीतियों पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस की दिग्गज पूर्व मंत्री रीना कुमारी ने कहा, आज जैसे कि आप जानते हैं कि 125 वर्ष कांग्रेस के पूरे होने के अवसर पर एक संदेश यात्रा निकल रही है। 14 अप्रैल 2010 को माननीय श्री राहुल गांधी जी ने अम्बेडकर नगर यूपी से यात्रा रवाना करी। ऐसी 10 चेतना रथ संदेश यात्रा रवाना हुई है। जनसभा के बाद यात्रा नियामतपुर इकलौटिया पहुंची, जहां पर कांग्रेस संदेश यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मोहम्मद जफर, नन्हे चौधरी, नूर हसन, संजय कपूर, नजाकत चौधरी, कांग्रेसी नेता हाजरा बेगम, बब्बू नंबरदार, असलम प्रधान, पुन्ना नंबरदार, मोहम्मद जकी सहित भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे।